हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशनल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में क्रेन लिफ्टिंग और उसमें हैजार्ड्स, खतरे क्या क्या और उसके प्रिकॉशन कैसे लेंगे, वो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो साइट पे तो बहुत तरह की क्रेनें होती हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप जाएं वहाँ पे तो आप देखें बोले मैंने तो वो क्रेन ऐसी देखी थी, वो तो क्रेन ऐसी है, अब इसके बारे में क्या करें, इसमें क्या सावधानी देखें। तो इसी सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए दोस्तों, मैंने आज ये सेकेंड चैप्टर क्रेन कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन साइट पर सिर्फ ये 6 क्रेनें जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो इनके प्रकार के बारे में पहले मैं बता दूं कितने तरह की क्रेनें होती हैं, ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो आपकी ग्रुप क्रेन यूज़ होती है, तो ग्रुप क्रेन, क्रॉलर क्रेन, टावर क्रेन, ओवरहेड क्रेन, साइड बूम क्रेन, मोबाइल क्रेन, ये क्रेनें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ज़्यादातर ये यूज़ होती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे क्रॉलर पे। ये आपका क्रॉलर क्रेन, क्रॉलर क्रेन की बनावट देखिए, ये लेग पे खड़ी नहीं होती है, ये नीचे लोहे के चैन पे चलती है गियर से, ये इसमें गियर होते हैं और ये चैन पे चलती है, ये इसके थ्रू ये चलती है आगे, और ये लोड को लेकर ये लोड को लेकर आगे और पीछे ट्रेवल कर सकती है। इसके सबसे बड़ी खूबी यह है, विशेषता इसकी यह है कि लोड के साथ ये आगे और पीछे जा सकती है। इसको साइट पर ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट्स, हैवी जैसे कि बॉयलर ड्रम, वेसल्स, टैंक्स, इन सबों को उठाकर इरेक्शन करने में या उठाने में रखने में इसको यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटे सामान को उठाने के लिए इसको यूज़ ही नहीं करते हैं, उसमें भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मेन जो काम है बड़े हैवी आइटम्स को उठाना, इरेक्शन करना, वेसल्स वगैरह। तो आइए फिर देखते हैं, एज ए सेफ्टी ऑफिसर, आप पिछले चैप्टर में तो आप लोगों ने सीख लिया था, अब इसमें आप खुद से बताइए, देखिए इसमें क्या हैजार्ड्स बढ़ गया है, इसमें क्या आप और प्रिकॉशन लेंगे। फ्रेंड्स, पीपी तो आपको देखना ही देखना है, जैसे फॉर्म तो देखना ही देखना है, टीबीटी करना ही है, टूल बॉक्स स्टॉक करना ही करना है, वो तो कॉमन है, और बाकी कवर, ये आपका जो भी है हाउसकीपिंग है वो तो करानी है, और बाकी ए बैरियर बैरिकेड करनी है, जितनी भी चीज़ें हैं वो तो करनी है आपको। एडिशनल क्या करना है इसमें, आपको प्रिकॉशन क्या लेना है ये देखिए, चलिए मैं आपको बता दूँ। ये चूंकि आप जैसे कि बताया आपको कि ये ट्रेवल करती है आगे और पीछे, तो ये पीछे जाएगी आगे जाएगी, अब एक जगह पे तो ये खड़ी नहीं है, तो पीछे जाएगी तो अगर पीछे कोई आदमी है तो खतरा है बहुत बड़ा, क्रेन के ऑपरेटर तो आगे देख रहा है, पीछे आपने ये तो नहीं देख रहा हो, तो पीछे आए और आपको हिट कर दें, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर आगे भी बढ़ता है तो आगे भी और पीछे भी, ये एरिया एकदम क्लियर होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक का वो आप पता कर लिए, रिगिंग सुपरिटेंडेंट होगा, रिगिंग फोरमैन होगा, उन लोगों से मालूम कर लीजिए कि ये रेंज कहाँ तक है, और वहाँ तक की ज़मीन पूरी की पूरी एकदम लेवल और सॉलिड होनी चाहिए, नहीं है तो वही रोलर बुलाइए और उसको वहाँ से जितनी इसकी रेंज है यहाँ से यहाँ तक उसको सॉलिड बनवाइए। तो ये एक एडिशनल है के पीछे और आगे ट्रेवल करने की वजह से उतनी दूरी की जो ज़मीन है, ग्राउंड है, उसको बहुत मजबूत करना है। तो दोस्तों,
आपको क्रॉल और क्रेन के बारे में तो अभी पता हो ही गया होगा, और आप जाएंगे एज ए सेफ्टी ऑफिसर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले चैप्टर में आपको बताया था मैंने कि चारों तरफ से एरिया वेरिफिकेशन करने के लिए और ये टैगलाइन पकड़ने के लिए और बेल्ट खराब है तो बदलने के लिए, बाकी सब वो चीज़ें हैं वही आपको देखनी है, वही आपको करनी है। तो ये आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे टावर क्रेन की, और वन बाय वन सब हम लोग सारे विषय क्रेन को लेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और तभी तक के लिए इजाज़त।